हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था। दोस्तों, ये हमारी सीरीज का 28वां क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी इस सीरीज के पहले के क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे इस चैनल में देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था। अ लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इंडिकेटेड BOD of 750 milligram per liter with rate constant 0.2 day inverse at 20 degree Celsius. The 5-day BOD at 20 degree Celsius is, इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं, 675 milligram per liter, 650 milligram per liter, 400 milligram per liter and 600 milligram per liter. दोस्तों, इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है BOD एट टाइम टी इज इक्वल टू एल वन माइनस टेन की पावर माइनस के टी। तो इसमें जो हमारा है अल्टीमेट बीओडी है जो एल है, जिसकी यूनिट हमारी होगी मिलीग्राम पर लीटर। दोस्तों, यूनिट का ध्यान खास कर ध्यान रखेगा। और जो हमारा के है वो डीके कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होगी पर डे। और एनी अदर टर्म लाइक आर मिनट और सेकेंड, अगर डीके कांस्टेंट की हमारी वैल्यू आर में होगी तो हमारा जो टी होगा उसको भी हमें आर में ही लेना पड़ेगा। अगर हमारा टी डीके कांस्टेंट की वैल्यू में मिनट में होगा तो हमें टी का वैल्यू भी मिनट में लेना पड़ेगा। तो जो हमारा टी है यहाँ पे, टी हमारा है टाइम इन डेज। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्टीमेट बीओडी जो हमें दिया है 750 मिलीग्राम पर लीटर, और हमें डीके कांस्टेंट गिवन है 0.2 पर डे। जो हमारा डी, हमें जो बीओडी निकालना है 5 डे का बीओडी निकालना है। तो इसको हम दोस्तों देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू है हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमने पुट कर दिया, के की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.2, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 5। यहाँ पर डे होता वन बाय डे यानी कि मल्टीप्लाई बाय डे, तो डे से डे कैंसिल होगा, यूनिटलेस हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा माइनस का वन। तो टेन की पावर माइनस वन हमारा इक्वल टू वन बाय टेन इक्वल टू हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0.1। तो हमने 0.1 लिख सकते हैं, तो वन माइनस 0.1 हो गया हमारा 0.9। तो जो हमारा हो गया 750 टू 0.9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 675 मिलीग्राम पर लीटर, जो हमारा ऑप्शन ए है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।